चलिए स्टार्ट करते हैं। ईटिंग गुड फूड इज नॉट ओनली एनर्जी फॉर गुड हेल्थ। अच्छा खाना खाना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। बी गुड फ्लॉस सम गुड हैबिट्स टू कीप आवर सर्विस हेल्दी। और हमें कुछ हेल्दी फूड खाना भी अपने स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। ईटिंग हेल्दी फूड, ईटिंग हेल्दी फूड यानी कि हेल्दी फूड। चलिए बी गुड ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड। अच्छा और हेल्दी खाना खाना चाहिए। ए गुड डाइट कंट्राइज ऑल एसेंशियली फूड सप्लीमेंटल न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद फ्रूटी एंड वेजिटेबल। यानी कि हमारे हेल्दी रहने के लिए, हमारे स्वास्थ्य का हेल्दी रखने के लिए हमें फ्रूट और वेजिटेबल दोनों ही हमारे डाइट में देना चाहिए, डाइट में नहीं ईटिंग खाना में देना चाहिए। चलिए ए गुड डाइट कीप अस हेल्दी एक्टिविटी एंड फूड। और जो अच्छा हेल्दी खाना होता है वो हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है और हमारे जो शरीर है उसको भी बहुत फिट रखता है। और जो हमारे शरीर की एक्टिविटीज रहती है, क्रियाएं रहती है, उनको करने में भी हमारी मदद करता है। चलिए अब आता है आपका ईटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट, यानी कि प्रक्रिया और उनको फिट रखने के फायदे। चलिए गुड ईटिंग हैबिट की अस हेल्दी एंड अवे फ्रॉम डिजीज। यानी कि खाने की अच्छी आदतें स्वास्थ्य को और बीमारियों से भी हमको दूर रखती है अच्छे खाना खाने की। बी गुड फॉलो सम रूल्स फॉर बीइंग हेल्दी। चलिए इन नियमों का हम पालन करते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए। ऑलवेज वॉश यू हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग द फूड विद एंटीसेप्टिक सॉप और लोशन। यानी कि हमें खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद एंटीसेप्टिक सॉप या लोशन से अपने हाथों को वॉश करना चाहिए, हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। सेकंड आता है वी शुड वॉश अवर हैंड बिफोर ईटिंग बिकॉज अवर हैंड हैव मैनी गम पार्टिकल एंड दे विल एंटर अवर बॉडी। हमारे हाथों में कई सारे रोगाणी यानी हमारे हैंड में, हमारे हाथों में कई सारे कीटाणु रोग आदि होते हैं और वे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए हमें खाना खाने से पहले हमारे हाथों को वॉश कर लेना चाहिए, अच्छे से पानी से धो लेना चाहिए। बी शुड वॉश अवर हैंड आफ्टर ईटिंग बिकॉज अवर हैंड बिकम ऑयली एंड स्पंजी एंड दे मे बी हार्मफुल फॉर आईज एंड नोज। और जो हमारे हाथ होते हैं वो खाना खाते टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ऑयली तेलीय हो जाते हैं, स्पंजी मसालेदार हो जाते हैं, भी हार्मफुल फॉर आईज एंड नोज, जो कि हमारी आंखों और हमारे नाक के लिए हानिकारक हो जाते हैं। ऑलवेज ईट फूड एट प्रॉपर टाइम। उचित समय पे हमें खाना खा लेना चाहिए। शेव योर फूड वेल बिफोर स्लीपिंग। जो स्लो योर फूड विल बिफोर स्लीपिंग, यानी कि निगलने से पहले जो हम खाना खाते हैं वो खाना पेट के अंदर डालने से पहले उस खाने को हमें अच्छी तरीके से चबा चबा कर उसको बारीक कर कर ही खाना चाहिए। डू नॉट ईट टू मच और टू लिटिल फूड। अधिक से अधिक खाना भी नहीं खाना चाहिए और कम से कम खाना भी हमको नहीं खाना चाहिए। जितनी आपकी पाचन क्रिया होती है, आपका शरीर होता है, फिटनेस होती है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना खाना खा लेना चाहिए। ऑलवेज ड्रिंक प्योर एंड क्लीन वाटर। शुद्ध व साफ पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक एट लास्ट 12 and 14 ग्लास अवर वाटर डेली। हमें रोज के रोज कम से कम 12 से 14 ग्लास पानी पी लेना चाहिए। कितने पी लेना चाहिए? 12 से 14 ग्लास को हमें पानी पी लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं कीपिंग क्लीन। कीपिंग क्लीन यानी कि हमारे जो हाथों के छोटे छोटे से होते हैं, जैसे हमारे टीथ होते हैं, नेल्स होते हैं, उनको क्लीन रखना चाहिए, उनको साफ रखना चाहिए। कीपिंग हेल्दी मीन्स कीपिंग क्लीन। कीपिंग हेल्दी का मतलब होता है कि पूरा क्लीन होना, साफ पड़ा रहना। वी शुड कीप अवर सेल्फ क्लीन बाय फॉलोइंग सम रूल्स। उनके लिए भी कुछ रूल्स दिए हुए हैं। वी शुड ब्रश अवर टिश्यू ए डे इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। यानी कि हम
nails contains many gum. When we eat food, that gum enter our body. हमें रोज हमारे बीकरी में